Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Masha Kiran, hope you're all having an amazing day. Today I'm back with another video. Hope you are doing well. So enjoy the video, let's get right into it. अस्सलामुअलैकुम आल फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने दो सेम फ्रॉक लेके आई हूँ, जो एक ही सूट से मैंने बनाए हैं, उनके ट्राउज़र और शर्ट से। ये दो एम्ब्रॉयडरी सूट थे, दो टू पीस सूट था। जो मैंने क्या किया है, इनकी शर्ट जो है, ये इनकी शर्ट थी और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। इडन रॉप ही ब्रांड का वो है और टू पीस का सूट था। मैंने क्या किया है कि शर्ट से मैंने फ्रॉक बनाई है और ट्राउज़र से भी फ्रॉक बनाई है दोनों बेटियों के लिए। और इसकी डिटेल चलो देखने चलते हैं कि इनको मैंने किस तरह स्टिच किया हुआ है। ये देखे, इसके साथ मैंने जो ऊपर की बॉडी है वो एम्ब्रॉयडरी लेस लेके मैंने पट्टी के साथ, ये जो है, ये देखिए, ये पट्टी है, बटन नहीं खोल सकती, पट्टी है, पट्टी के साथ मैंने दोनों साइड से पट्टी लगाई है। और ये दरमियान में, सॉरी, दोनों साइडों से लेस लगाई है, दरमियान में पट्टी लगाई है और बेन कलर लगा दिए, बेन कलर बनाए हैं। और नीचे जो है, जो जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है उसके मैंने ये देखे चुनर देखे ये फ्रॉक बना दिए। और इसके साथ मैंने ये बहुत ही प्यारी लेस ली हुई है, चिकन वाली, चिकनकारी की, और इसके ऊपर पर्ल का काम हुआ है। ये इसके साथ लेके मैंने इनके बॉर्डर पे लगा दिए। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया था वो मैं भूल गई। ये जो है, ये नीचे बॉर्डर की साइड थी और ये ऊपर नेक साइड थी। मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे वाली जो है बॉर्डर साइड, वो ऊपर बॉडी बना दिए और ऊपर जो नेक वाली थी वो मैंने नीचे जो है फ्रॉक बना दिए। इसके साथ ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी तरह डिज़ाइन दिए। इसके आस्तीन मैंने बड़े स्टाइलिश बनाए, ये देखे, वही लेस लेके जो फ्रॉक के बॉर्डर पे लगाई है वो लेस लेके। और इसके साथ जो ये चुनट दिए, चुनट किस तरह दी है, जो लास्टिक होती है वो मैंने इसके साथ लगाई हुई है, दो लास्टिक लगा के इस तरह आस्तीन बना दी। अच्छा, जैसे मैंने बताया था टू पीस सूट था, शर्ट और ट्राउज़र। अब ये है ट्राउज़र, ट्राउज़र भी मैंने शर्ट बना दिए, मुझे इसके साथ ये अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने इससे भी फ्रॉक बना दिए। फ्रॉक पे ऊपर बॉडीज जो है वो साइड पट्टी बना के दरमियान में, और इसके साथ सेंटर लेस लगा दिए। वो दूसरे के साथ मैंने लेस लगाई है एम्ब्रॉयडरी वाली और यहाँ पर सेंटर लेस लगा दी। और ये बेन कलर बना दिए, इसके साथ मैंने नीचे फ्रॉक वो जो है वो बना दी और नीचे बॉर्डर पे ये लेस लगा दिए। बैक इस तरह बिल्कुल सिंपल बनाई है। अच्छा, आस्तीन में पहले फ्रॉक में, सॉरी, भूल गई थी तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल बताती हूँ कि शोल्डर के साथ यहाँ पे मैंने चुनट दिए हुए। आजकल इन आस्तीनों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन ये शलवार और उसके साथ थोड़ी सी आस्तीन छोटे थे, लेकिन अगर ज़्यादा चुनट दो तो उनके साथ कपड़ा ज़्यादा लगता है। जितना कपड़ा था मैंने उतने चुनट दिए। और इसके साथ जो उस सूट के साथ आस्तीन थे वो ये वाले थे, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि शलवार का कपड़ा थोड़ा कम होता है इसलिए। तो क्या किया है, इसके साथ भी वही आस्तीन के दोनों बेटियों के लिए बनाए हैं तो एक ही डिज़ाइन दिया हुआ है और वही आस्तीन उसी तरह की लास्टिक अंदर डाली हुई है। ये देखे, वो बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। लास्टिक डाल के ये लेस लगा दिए। इसके साथ ये ट्राउज़र मैंने रेडीमेड ही ली थी और क्यूलेट शलवार ही है। ये एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके साथ, पूरी एम्ब्रॉयडरी दोनों फ्रॉकों के साथ मैंने एक ही जैसी शलवारें ली है, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं दिखाई। बस आखिर में मैंने कहा है कि एक साथ दिखा दूँ कि दोनों के साथ इसी तरह की शलवारें हैं। और दुपट्टा जो है ये मैंने इस तरह लिया हुआ है, ये ऑर्गेन्जा टाइप का दुपट्टा है इसको कहते हैं। और इस सेल्फ वो इसके साथ नहीं, इसको टेक्सचर जो है वो वेलवेट टाइप का टेक्सचर है इसके ऊपर।
और इनके बॉर्डर पे चारों साइडों पे मैंने ये लेस लगा दिए, दोनों बहनों के लिए एक जैसे ट्राउजर और एक जैसे दुपट्टे। Hey, so here we are again. How do you like the video? Comment down below, like this video, and subscribe to our channel.